रेडी। आज जो हम आपको ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसमें आपको ये बताया जाता है कि लैपटॉप चिप रिपेयरिंग में क्या क्या टेस्टिंग एंड रिपेयरिंग टूल्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हमारे हर तरह के टेस्टिंग एंड रिपेयरिंग टूल्स है, हम आपको एक एक करके बताएंगे कि किस टूल्स का क्या यूज होता है, क्या उसका प्राइस है, कहाँ पर ये मिलता है वगैरह वगैरह। लैपटॉप चिप रिपेयरिंग में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स होता है वो है हमारा ये बीजीए मशीन। अब सबसे पहले ये देखिए कि बीजीए मशीन होता क्या है। बीजीए मशीन होता है कि हमारी जो बॉल ग्रिड आईसी होती है, जैसे कि हमारा ये नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ये जो आईसी होती है बॉल ग्रिड आईसी होती है, मतलब इसके नीचे क्या होता है, बॉल होता है। तो इन आईसी को निकालने के लिए और लगाने के लिए हमारा बीजीए मशीन का यूज किया जाता है। तो दो मकसद से हम बीजीए मशीन का यूज करते हैं, एक तो इन आईसी को निकालने और लगाने के लिए, और दूसरा होता है कि अगर इन आईसी के नीचे ड्राई सोल्ड आ जाए, कार्बन आ जाए, मॉइस्चर आ जाए, तो उस केस में भी इस पर हम हीट प्रोवाइड करते हैं बीजीए मशीन से। इसके अलावा अगर हम किसी और टूल्स का यूज करते हैं तो इस आईसी के खराब होने का चांस ज़्यादा है। इसके अंदर जो हम बॉल डालते हैं वो बॉल हमारा ये होता है, देखिए ये अलग अलग साइज के बॉल्स होते हैं। इस पे जैसे आपको लिखा रहता है ये 0.5 mm का बॉल्स है, 0.06 mm का बॉल, उस तरह करके हर चिप के जो अंदर के जो बॉल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो हमारे पास भी इस तरह हर तरह के अलग अलग बॉल होने चाहिए जो कि हम इसमें रिवॉल्विंग के दौरान डालेंगे। बीजीए मशीन का जो प्राइस है वो मिनिमम आपको 80,000 रुपये पड़ेगा, कम से कम 80,000 रुपये का बीजीए मशीन आता है। थोड़ा और अगर बेहतर क्वालिटी में हम जाएं तो 1,00,000-1,20,000 तक का बीजीए मशीन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल बीजीए मशीन का यूज करना चाहते हो, मतलब ये होता है कि बीजीए मशीन दो तरह से हम यूज करते हैं। एक होता है कि हमने अपने शॉप में लगा रखा है, सर्विस सेंटर में लगा रखा है, दिन भर में एक दो बोर्ड आते हैं बीजीए मशीन के लिए, और एक होता है कि हम रेगुलर बीजीए मशीन का यूज करते जा रहे हैं, डेली के हमारे पास 10-15 बोर्ड आ रहे हैं जिसपे कि हमें बीजीए मशीन का यूज करना पड़ रहा है। तो उस केस में थोड़ा प्रोफेशनल बीजीए मशीन लीजिए, थोड़ा महंगा लीजिए, 1,00,000-2,00,000 इस रेंज में लीजिए। और नहीं अगर केवल ट्रेनिंग पर्पज से चाहिए या दिन में केवल एक काम होता है, एक बार यूज करना होता है, तो फिर 80,000-90,000 का बीजीए मशीन काफी है। बीजीए मशीन आपको यहाँ पर नेहरू प्लेस मार्केट में अवेलेबल है। बीजीए मशीन के बाद जो दूसरा सबसे मेन इक्विपमेंट है जो कि हम अपने लैपटॉप रिपेयरिंग में यूज करते हैं वो है हमारा डीसी सप्लाई मशीन। ये आप देख रहे हैं डीसी सप्लाई मशीन है। सबसे पहले ये जाने कि डीसी सप्लाई मशीन का यूज क्या होता है। हमारे पास अलग अलग तरह के मदरबोर्ड आते हैं लैपटॉप के रिपेयर होने के लिए, अलग अलग तरह के लैपटॉप आते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर किसी का चार्जर या अडेप्टर हमारे पास हो ही, तो वहां पर हम ये डीसी सप्लाई मशीन का यूज करते हैं। इसमें इस तरह हम खराब अडेप्टर को अलग अलग काट के इसमें ज्वाइंट कर देते हैं, और फिर यहाँ से हमारा वोल्टेज वगैरह सेट होता है। वोल्टेज वगैरह सेट करके जितना हमें रिक्वायर्ड होता है उतना हम वोल्टेज आउटपुट निकालते हैं और अपने मदरबोर्ड में लगाते हैं। इसका जो प्राइस है ये आपको 3500 के आसपास पड़ेगा, 3500-4000 इस तरह पड़ेगा। ये भी एक चाइनीज प्रोडक्ट है, ये आपको नेहरू प्लेस में भी अवेलेबल है और लाजपत राय मार्केट चांदनी चौक में भी अवेलेबल है। अगला जो हमारा टेस्टिंग एंड रिपेयरिंग टूल्स है जो कि हम लैपटॉप चिप लेवल में यूज करते हैं वो है हमारा डिजिटल फ्रीक्वेंसी काउंटर। डिजिटल फ्रीक्वेंसी काउंटर का यूज किया जाता है मेनली क्लॉक को चेक करने के लिए। जैसे हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड या डेस्कटॉप मदरबोर्ड पे एक सर्किट होता है क्लॉक जनरेटर सर्किट। क्लॉक जनरेटर सर्किट का काम होता है लैपटॉप मदरबोर्ड पे अलग अलग घंटों में क्लॉक को पहुंचाना। तो वो क्लॉक अगर हमें चेक करना है कि कितना क्लॉक आ रहा है, 33 MHz, 48 MHz, तो वहां पर हम केवल और केवल इस फ्रीक्वेंसी काउंटर से ही चेक कर सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी काउंटर की जो प्राइस होती है वो है करीब 3500-4000 रुपये। ये आपको ऑर्डर दे के मंगवाना पड़ता है, मार्केट में जाए तो ऑन द स्पॉट आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, ये आपको ऑर्डर दे के मंगवाना पड़ेगा। अगला जो हमारा टेस्टिंग और रिपेयरिंग टूल्स है वो है हमारा सीआरओ मशीन, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इस मशीन का यूज किया जाता है हमारे लैपटॉप एंड डेस्कटॉप मदरबोर्ड पे सिग्नल को चेक करने के लिए। होता क्या है कि हमारा जो मदरबोर्ड होता है एक डिजिटल सर्किट है, वोल्टेज के साथ साथ सिग्नल ट्रेवल करता है,
तो वोल्टेज को तो हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, लेकिन जब आ जाती है सिग्नल की, तो सिग्नल को चेक करने के लिए यहाँ पर हमारा सीआरओ मशीन होना जरूरी है। इसकी जो प्राइस होती है 15,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये के बीच में आती है। ये भी आपको नेहरू प्लेस और लाजपत राय मार्केट में अवेलेबल है। अगला जो हमारा टूल्स है वो है एसएमडी मशीन, सरफेस माउंटेन डिवाइस। एसएमडी मशीन का यूज किया जाता है हमारे मदरबोर्ड के एसएमडी कंपोनेंट को निकालने और लगाने के लिए। हमारे पास देखिए जो भी मदरबोर्ड होते हैं इसमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सॉलिड टाइप कंपोनेंट, दूसरा होता है एसएमडी टाइप कंपोनेंट। तो सॉलिड टाइप कंपोनेंट को निकालने लगाने के लिए हम सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं, जो कि 100 रुपये 150 रुपये तक का आता है। लेकिन अगर एसएमडी कंपोनेंट को यूज करना है तो उसके लिए हमें एसएमडी मशीन की जरूरत पड़ती है। इसका प्राइस 1500 रुपये से लेकर के 5000-6000 तक आता है। एक बढ़िया क्वालिटी चाहिए तो 2500 रुपये 3000 रुपये तक का एसएमडी मशीन बेहतर है हमारे लिए। अगला टेस्टिंग रिपेयरिंग टूल्स है हमारा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से हम हर जगह की वोल्टेज चेक करते हैं, प्लस हम ये भी चेक करते हैं कि ट्रैक की कनेक्टिविटी ओके है कि नहीं है। ये आपको बेहतर रेंज में आपको 500 रुपये तक का अवेलेबल है। 500 रुपये का मल्टीमीटर ले लेते हैं, ये आपके हर तरह की टेस्टिंग कर देता है। नेक्स्ट, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है हॉट एयर गन। इसका यूज हम करते हैं हीट देने के लिए। अगर कहीं पे किसी आईसी पे हमें लग रहा है कि ड्राई हो रहा है वो या मॉइस्चर है, तो हम उसके ऊपर इससे हीट दे सकते हैं। इसका जो प्राइस है 350-400 रुपये है। अगर हमारे पास बीजीए मशीन नहीं है, क्योंकि बीजीए एक ज़्यादा कॉस्टली मशीन है, तो उसके जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो करीब ये 1500 से लेकर के 2000 वाट तक का होता है, और इससे भी काफ़ी ज़्यादा हीट आती है। लेकिन बस तरीका हमें पता होना चाहिए कि हमें अगर हमें पार्टिकुलर किसी आईसी पे हीट देना है तो किस तरह हम हीट देंगे। अगर आपका गलत तरीके से हीट पड़ गया तो उस आईसी के खराब होने का चांस ज़्यादा होता है। इसीलिए इसको यूज करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है कि किस तरह हम इसको हैंडल करेंगे। नेक्स्ट इक्विपमेंट जो आप देख रहे हैं, माइक्रो सोल्डरिंग आयरन। आयरन वैसे दो तरह के होते हैं, एक तो जनरल आयरन होता है जो कि हम सॉलिड टाइप के कंपोनेंट्स को निकालने के लिए यूज करते हैं, और ये जो आयरन देख रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो पेंदी है ये आपको थोड़ा सा पतला होता है। इसका यूज किया जाता है जो छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स वगैरह होते हैं उसको निकालने के लिए, खास करके कोई आईसी है, आईसी का ड्राईसोल्ड हटाना है तो उस आईसी पे हम इसको लगा लगा के इस तरह करते जाते हैं। इसका जो प्राइस है मार्केट में वो 1000-1200 रुपये तक का ये आ जाता है, ये अवेलेबल है आपको 1000-1200 के रेंज में। अगला इक्विपमेंट हमारा डिसोल्डरिंग पंप। डिसोल्डरिंग पंप का यूज किया जाता है सॉलिड टाइप के कंपोनेंट्स को निकालने और लगाने के लिए। ये जो डिसोल्डरिंग पंप देख रहे हैं इसका प्राइस 250 है। ये भी आपको लाजपत राय मार्केट में अवेलेबल है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको इस तरह करते हैं, और जब इसको ले आते हैं खटाक के कर देते हैं, ये निकल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये ब्लोअर। ब्लोअर का यूज किया जाता है कि अगर हमारे बोर्ड में या कैबिनेट के अंदर काफी ज्यादा डस्ट आ जाता है तो ब्लोअर से हम साफ करते हैं वो सारा का सारा। ये जो होता है धूल मिट्टी डस्ट जो होता है सबको उड़ा देता है ये। इसका प्राइस आपको 400 रुपये है। ये भी मार्केट में इजिली अवेलेबल है। अगला जो हमारा टूल्स है वो है बायोस प्रोग्रामर। बायोस प्रोग्रामर ये जो आप देख रहे हैं ये एक मिनी बायोस प्रोग्रामर है। दो तरह के बायोस प्रोग्रामर होते हैं, एक तो हम यूनिवर्सल बायोस प्रोग्रामर होते हैं जो कि 20,000 रुपये तक का आता है,
और ये मिनी बायोस प्रोग्रामर है, इससे भी आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों के बायोस प्रोग्राम हो जाते हैं। इसका जो प्राइस है मार्केट में 4,000 रुपये के आसपास है। एक आपको यूएसबी बायोस प्रोग्रामर भी आता है 5-6 हज़ार की रेंज में। अगर आपको बढ़िया तरीके से लेना है तो आप यूनिवर्सल बायोस प्रोग्रामर ले, जो कि करीब 20 हज़ार की रेंज में आता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है इससे, क्योंकि ये हर किसी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में सपोर्ट नहीं करता। लेकिन यूनिवर्सल जो होता है हर तरह के लैपटॉप डेस्कटॉप प्ले स्टेशन हार्ड डिस्क वगैरह के बायोस, सबके बायोस को प्रोग्राम करने में यूज में आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है एसएमडी टेस्टर। इसका प्राइस करीब 2,000 से 2,500 रुपए के बीच में पड़ता है। और इसका यूज किया जाता है एसएमडी कंपोनेंट को चेक करने के लिए, जैसे एसएमडी टाइप रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, क्वाइल हो गया, उन सबको हम इससे चेक कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप मेरे हाथ में ये है सीपीयू सॉकेट टेस्टर। इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि सीपीयू का जो सॉकेट है वो ओके है कि फॉल्टी है। ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे लैपटॉप के अलग सीपीयू सॉकेट टेस्टर आते हैं, डेस्कटॉप के अलग सीपीयू सॉकेट टेस्टर आते हैं। अगर आप कंबाइंड लें तो करीब 15-16 तरह के सीपीयू सॉकेट टेस्टर आपको लेने पड़ेंगे, और इसका प्राइस आपको यही कोई 8,000-9,000 रुपये के बीच में पड़ेगा। सिंगल आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पूरा का पूरा पैकेज लेना पड़ेगा, जिसमें कि लैपटॉप के करीब 7-8 और डेस्कटॉप के 7-8 होंगे। इसमें इंटेल और एएमडी दोनों मिक्स रहता है। ये जो देख रहे हैं आपको लिक्विड थर्मल है, लिक्विड पेस्ट है। इसका यूज करते हैं जब भी हम किसी कंपोनेंट को निकालते हैं या लगाते हैं, उस समय हम इसका यूज करते हैं निकालने और लगाने में, ताकि बेहतर कनेक्टिविटी हो सके हर पिन का बोर्ड के साथ। इसी तरह जब कोई कंपोनेंट को हम लगा देते हैं तो उसके बाद इस आईपी से हम उसको साफ करते हैं। इसका यूज मेनली क्लीन करने किया जाता है, हर तरह के ट्रैक को हम इससे क्लीन कर सकते हैं। ये जो आप टेप देख रहे हैं इसका यूज हम उस समय करते हैं कि मान लीजिए हम कोई कंपोनेंट को निकाल रहे हैं लगा रहे हैं, तो उस कंपोनेंट के अलावा साइड साइड में ये टेप हम डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये टीप आपको टेप जो है हीट को ऑब्जर्व नहीं करता, ये हीट को अपने आप से पार नहीं होने देता, जिससे कि हमारा कंपोनेंट जो आसपास का होता है वो सेफ रहता है। इसलिए हम इस टेप का यूज करते हैं। अभी जो आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एंटी स्टेटिक रिस्ट है, रिस्ट स्ट्रेप है। इसका जो यूज किया जाता है, जो हमारे हाथों में जो स्टेटिक चार्ज वगैरह आ जाता है उसको ग्राउंड करने के लिए। कभी भी अगर हम रिपेयरिंग करेंगे तो इसका यूज करना बहुत ही जरूरी है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास कोई मदरबोर्ड आया रिपेयरिंग के लिए, लेकिन रिपेयरिंग करते करते उसमें कोई और फॉल्ट आ गया। वो इसलिए होता है कि ऑन कंडीशन में हम खुले हाथों से अगर किसी आईसी को या किसी कंपोनेंट को छूते हैं तो उसका खराब होने का चांस बढ़ जाता है। तो बेहतर है कि इसको हमेशा यूज करते हुए फिर हम रिपेयरिंग करें, तो हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मैग्नीफायर, हाथ में पकड़ने वाला मैग्नीफायर है। कोई भी आईसी हो या किसी का भी नंबर हमें देखना हो, ट्रैक वगैरह को देखना है, तो इसको हम आसानी से देख सकते हैं। ये मार्केट में आपको 120-130 रुपए का इजीली अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे पास रिपेयरिंग के लिए कुछ छोटे छोटे चीज़ें भी होनी चाहिए, जैसे कि ये ट्वीजर हो गया, बढ़िया तरीके का ट्वीजर हमारे पास होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का ट्वीजर। कम से कम एक आपको 50 रुपए का आएगा, 4-5 ऐसे ट्वीजर हमारे पास होने चाहिए। इसके साथ साथ हमारे पास ये इंजेक्शन होना चाहिए, अगर हम साफ करते हैं या फिर लिक्विड पेस्ट का यूज करते हैं तो वहां पर इसको लगाने के लिए इसका बेहतर तरीके से यूज किया जाता है। हमारे पास ब्रश होना चाहिए, जब कभी भी हम आईसी को साफ करेंगे तो इस ब्रश का हम यूज करके साफ करेंगे इसको। हमारे पास बेहतर क्वालिटी का सोल्डर वायर होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारती का सोल्डर वायर सबसे बेस्ट माना जाता है,
60-70 रुपए का ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगला जो आप देख रहे हैं हमारे पास टेस्टिंग रिपेयरिंग टूल्स, उसमें ये है आपको हॉल्ट मेट ग्लू गन। इसका यूज हम करते हैं अगर मान लीजिए कोई लैपटॉप की बॉडी वगैरह कहीं टूट जाती है तो इस तरह इसको हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं पाइप, ये एक प्लास्टिक की रबड़ की पाइप होती है, जब इसको हम पावर अप्लाई करते हैं तो यहाँ से एक तरह से ये लिक्विड में होकर के रबड़ निकलता है। जब ये सूख जाता है तो पूरा का पूरा सॉलिड हो जाता है, जिससे कि ये अगर कहीं कोई ब्रेकेज होता है तो वहां पर ये दोबारा ब्रेक होने नहीं देता। ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है करीब करीब 250 से 300 के बीच में। इतने सारे जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं, एक सर्विस सेंटर जहां पर कि लैपटॉप डेस्कटॉप मदरबोर्ड को रिपेयर करना है वहां पर यूज में आता है। इसके अलावा इसके अलावा अगर आपको डेस्कटॉप मदरबोर्ड को रिपेयर करना है तो वहाँ पर डाटा स्टेटस को समझने के लिए हम डायग्नोस्टिक कार्ड का यूज करते हैं। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं पीसीआई डायग्नोस्टिक कार्ड है, जैसा कि ये देख रहे हैं 2 डिजिट का है, मार्केट में ये 100 रुपये का मिल जाएगा आपको। ये 4 डिजिट वाला मार्केट में इजीली आपको 150 से 200 रुपये के बीच में अवेलेबल है। और ये जो देख रहे हैं आपको TFT स्क्रीन वाला है, ये मार्केट में 450-500 का अवेलेबल मिल जाएगा, इजीली आपको ये मिल जाएगा। ये 3 तरह के डायग्नोस्टिक कार्ड होते हैं। फिलहाल तो अगर एक से ही हम यूज करते हैं तो एक से ही सारा स्टेटस पता चल जाता है। होता क्या है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर कोड आता है, ये जो देख रहे हैं डिजिट में कोड आता है, इस कोड को देख करके हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि मदरबोर्ड के किस एरिया में फॉल्ट है। इसके अलावा ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं थर्मल पेस्ट है, इसका यूज किया जाता है प्रोसेसर के ऊपर, हम इसको लगा के फिर उसके ऊपर हीट सिंक लगते हैं ताकि हीट सिंक और प्रोसेसर के बीच में बेहतर कनेक्टिविटी हो। अगर ये सूख जाता है तो हमारा प्रोसेसर हीट होने लगता है और हीट होने की वजह से आपका स्लो होने की दिक्कत, रीस्टार्ट होने की दिक्कत या सिस्टम हैंग होने की दिक्कत आ सकती है। इसीलिए ये आपके पास हमेशा होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। इसका जो मार्केट में प्राइस है, जैसे छोटी सी डिब्बी आपको 20 रुपए में इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अब ये जो देख रहे हैं मेरे हाथ में लैपटॉप एस्केमेटिक डायग्राम है। अगर आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से, इंजीनियरिंग लेवल का, चालू लेवल का रिपेयरिंग नहीं, तो उसके लिए आपको एस्केमेटिक डायग्राम को रीड करना, इसको समझना कैसे कैसे सिग्नल जा रहा है, कैसे डेटा जा रहा है, कैसे हमारा सप्लाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो सारा आपको पहले पता होना चाहिए। मतलब कि सबसे पहले जरूरी है कि आपको इसको रीड करना आना चाहिए। हर मदरबोर्ड का अपना अलग अलग स्कीमेटिक डायग्राम होता है, ये आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसको आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वहां पर इसकी कॉस्ट आपको डॉलर में आती है, जैसे $10 $11 इंडियन रुपीस में देखा जाए तो कम से कम 600-700 रुपए का एक डायग्राम पड़ता है और ये आपको डाउनलोड करना होता है।